हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इंडियन यूट्यूबर मुनमुन के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं वॉशिंग मशीन क्लीनिंग के बारे में कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो वॉशिंग मशीन क्या है, हम लोगों का कपड़े को अच्छे से क्लीन करते हैं वॉशिंग मशीन। तो आप कपड़े को वॉशिंग मशीन से क्लीन करते हो तो मशीन को भी क्लीन रखना चाहिए, नहीं तो कोई कोई होता है मशीन से सिर्फ कपड़े ही धोते हैं, मशीन को क्लीन नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, मशीन को भी क्लीन करना चाहिए, नहीं तो सालों साल या दिन ब दिन इसके अंदर बैक्टीरिया हो जाता है और कपड़े के अंदर भी धोने के बाद भी कुछ अजीब सा स्मेल आ जाता है कपड़े के अंदर। तो मशीन को भी क्लीन करना चाहिए, नहीं तो कपड़े भी अच्छे से क्लीन नहीं होगा और हम लोग भी मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं होता है। तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए मशीन को भी अच्छे से क्लीन कीजिए। तो कुछ टिप्स मैं वीडियो के बाद आपको लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि कैसे मशीन को मेंटेन करना चाहिए। तो आइए देखते हैं प्रोसेस क्या है मशीन को क्लीन करने के लिए। तो इसके लिए मुझे चाहिए एक पुराना टूथब्रश, कंफर्ट, विनेगर, बेकिंग सोडा और लिक्विड डिशवॉशर और एक नैपकिन। तो आइए देखते हैं कैसे क्लीन करते हैं। के हेल्प से टब में पानी मैं भर रही हूँ, देखिए आधा भर गया है, अभी मैं नल को बंद कर दूँ। देखिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, पानी मेरा गर्म हो गया है। अभी मैं इसको मशीन के अंदर जो पानी है उसके साथ इसको मैं ऐड करूंगी। मैंने इधर हाफ कप विनेगर, 1/4 कप बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून लिक्विड डिशवॉशर सोप मैंने इधर लिया है। इसको मैं मशीन के अंदर जो पानी मैंने भरा है उसके साथ इसको मैं मिक्स करूंगी, फिर मैं मशीन को ऑन करूंगी। अभी मैं एक एक करके सब इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर मैं दे दूंगी। विनेगर दे दिया मैंने, यह बेकिंग सोडा देखिए, और ये लिक्विड डिशवॉशर सोप। फिर ये सबको मैं अच्छे से हाथ से मिक्स कर दूंगी, उसके बाद मैं मशीन को अभी ऑन करूँ। मैंने मशीन को ऑन कर दिया है, अभी मैं इसको देखिए मैं मोड को भी सेव करूंगी। अगर आपके मशीन में क्लीन मोड, टब क्लीन मोड अगर नहीं रहेगा तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपके मशीन में जो क्लीनिंग मोड या वॉशिंग मोड है उसी मोड से आप मशीन का क्लीन कर सकते हो। तो मेरे LG का 6.2 kg का है, तो इधर टब क्लीन का मोड है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं टब क्लीन मोड पे इसको सेट कर रही हूँ। मैंने मशीन को ऑन कर लिया है, अभी देखिए मैंने टब क्लीन जो मोड है इधर ये देख सकते हैं आप, टब क्लीन इसी मोड पे मैंने सेट कर लिया मशीन को। अगर आपके मशीन में टब क्लीन मोड नहीं है तो आप वॉशिंग मोड या क्लीनिंग मोड पे भी सेट करके आप मशीन को क्लीन कर सकते हो। तो मैंने अभी इसको चालू कर दिया, देखिए 2 hours के लिए मशीन चालू हो गया है, अभी धीरे धीरे क्लीन हो जाएगा। अभी देखिए ये जो एक हिस्सा है मशीन के अंदर जो रहता है इसमें भी बहुत गंदगी जम जाता है, पूरा जो कपड़े का जो गंदगी है इसको आप क्या कर सकते हो, एक बाल्टी में या बड़े से कुछ बॉल में आप पानी लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी भी आप ले सकते हो, एकदम थोड़ा सा, और उसके अंदर लिक्विड डिटर्जेंट, लिक्विड सोप या तो डिटर्जेंट आप मिक्स करके इसको 15 से 20 मिनट तक रख दीजिए। उसके बाद ब्रश से इसको ऐसे रब कीजिए तो पूरा जो मैल है देखिए सब निकल जाएगा। और इधर जो एक हिस्सा है जिधर ये लगता है इधर भी एक छोटे से रुमाल से आप इसको ऐसे क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए इधर भी कितना मैल जम गया है। ये सब क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपका मशीन बहुत जल्दी खराब होने का चांस रहता है। अगर ये कॉस्टली प्रोडक्ट आप घर पे मतलब रखेंगे तो फिर इसको अच्छे से मेंटेन भी करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी खराब हो सकता है। अभी जो ये हिस्सा है इसको आप निकाल दीजिए ऐसा,
देखिए पाइप निकल गया है, सॉरी। ये देखिए एक नेट टाइप का है इसका, ऐसे देखिए। इसको भी क्लीन करना चाहिए, इसको भी क्लीन करना चाहिए, नहीं तो इसको भी क्लीन करना चाहिए। इसको भी एक ब्रश की हेल्प से आप थोड़ा सा घिस के उसको क्लीन कीजिए। उसके बाद इस जगह पे फिर थोड़ा सा पोंछ के इसको वाइप करके रूमाल से फिर आप इसको इधर सेट कर दीजिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इसको क्लीन करते हैं। उसके बाद एक पानी मग में पानी लीजिए और पानी के अंदर लिक्विड डिटर्जेंट सोप आप मिला के उसके बाद वो पानी से आप ब्रश से मशीन का जो अंदर का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे आप क्लीन कीजिए। आप चाहो तो डिटर्जेंट सोप भी दे सकते हो। ये देखिए ये जो सब हिस्सा है मशीन का। उसके बाद आप क्या करोगे, एक अच्छे रुमाल लेके, जो आप रुमाल या कपड़ा यूज नहीं करते हो अनयूज कपड़ा, उसको पानी में भिगो के अच्छे से निचोड़ के फिर वो रुमाल से या कपड़े से आप आपके मशीन को अच्छे से पोंछ लीजिए। ये देखिए आप चाहो तो इस टाइप का ब्रश भी आप यूज कर सकते हो। इस टाइप के ब्रश से क्या होता है, जो कॉर्नर का हिस्सा है, जो टूथब्रश जिसकी टाइप की जगह पे नहीं जाता है, ये ब्रश की सबसे भी कर सकते हो आप हल्के हाथों से धीरे धीरे। देखिए जो कॉर्नर का हिस्सा है उधर से भी जो धूल मतलब मिट्टी डस्ट जमा हुआ है वो आसानी से निकल आ रहा है बाहर। ये देखिए ऐसे आप आपकी मशीन को क्लीन कीजिए, महीने में एटलीस्ट एक बार तो कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दो महीने में एक बार आप कीजिए। देखिए हो गया। अब एक रुमाल के हेल्प से मैं सबको एक बार पोंछ लूंगी, उसके बाद रुमाल को और एक बार पानी में धो के निचोड़ के और एक बार मैं अच्छे से रुमाल से सब जगह को वाइप कर लूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, ये सब हो गया है, ऐसे आप कीजिए। अब चाहो तो पानी में थोड़ा सा कंफर्ट डाल के या तो डेटॉल डाल के फिर रुमाल को उसके उसमें धो के फिर निचोड़ के फिर अच्छे से आप मशीन के अंदर आप पोंछ सकते हो। ये हो गया। अभी मैं बाहर का जो हिस्सा है एरिया है मशीन का वो मैं क्लीन करूंगी। और एक मेन चीज है, ये जो जगह है जिधर आप डिटर्जेंट डाल देते हो इसको भी अच्छे से अब निकल भी सकते हो। यहाँ इधर देखिए निकल गया। इसको भी आप बाल्टी में भिगो के रखिए फिर उसको ब्रश से अच्छे से हल्के हाथों से उसको घिस के फिर आप धो के फिर सेट कर सकते हो। अभी जो ये हिस्सा है इसको आप निकाल दीजिए ऐसा। देखिए पाइप निकल गया है, सॉरी। ये देखिए एक नेट टाइप का है इसका, ऐसे देखिए। इसको भी क्लीन करना चाहिए, इसको भी क्लीन करना चाहिए, नहीं तो इसको भी क्लीन करना चाहिए। इसको भी एक ब्रश की हेल्प से आप थोड़ा सा घिस के इसको क्लीन कीजिए। उसके बाद इस जगह पे फिर थोड़ा सा पोंछ के इसको वाइप करके रुमाल से फिर आप इसको इधर सेट कर दीजिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इसको क्लीन करते हैं। एक बड़े से बोल में आप पानी ले लीजिए, उसके अंदर लिक्विड डिटर्जेंट सोप आप मिक्स करके दीजिए। आप चाहो तो डिटर्जेंट पाउडर भी आप यूज कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा इधर लिया है, इसको अच्छे से मिला के
हाथों से, फिर ये जो है कैप टाइप का इसको खोल के ऐसा अब पानी में भिगो के रखिए। और ये जो है ना पार्ट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये क्लीन नहीं रहेगा तो पानी ठीक से नल से मशीन में नहीं आएगा, तो इसको क्लीन करना चाहिए, मस्ट है ये क्लीन। तो इसको भी मैं पानी में ऐसे भिगो के रख रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए, फिर आप छोड़ दीजिए। फिर आप चाहो तो बाहर का जो मशीन का हिस्सा है, एरिया है, आप उसको क्लीन कर सकते हो। अभी ये जो देखिए मैं पानी में भिगो के रखा था 15 से 20 मिनट के लिए, ये देखिए कितना गंदा गंदा सा पानी में, देखिए कितना गंदा गंदा पानी में सब लग गया है। तो अभी मैं इसको ब्रश से थोड़ा रब करूंगी ऐसे हल्के हाथों से ऐसे। ये हो गया छोटा जो हिस्सा है पाइप का, वो क्लीन हो गया है। एकदम से क्लीन हो गया है। अभी जो ये है इसको भी मैं ब्रश से ऐसे रब करूंगी तो सब जो मिट्टी टाइप का लगा है सब निकल जाएगा। ये देखिए इस टाइप के ब्रश से भी आप घिस सकते हो ऐसे, देखिए सब गंदा गंदगी सब निकल गया है। ये देखिए देखिए ये कैप है एकदम से क्लीन हो गया। देखिए एकदम क्लीन हो गया। तभी मैं इसको मशीन के अंदर सेट कर दूंगी। अभी आप एक मग में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसके अंदर मैंने इधर 1 टेबलस्पून मैंने इधर विनेगर पानी के साथ मैंने ऐड कर दिया, और 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं बेकिंग सोडा मैं दे रही हूँ। आप चाहो तो अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप जो घर में इनो रहता है, इनो का जो पैकेट है उसको आप इनो भी यूज कर सकते हो। तो मैंने पानी में दे दिया है और थोड़ा सा लिक्विड डिशवॉशर सोप, आप चाहो तो डिटर्जेंट भी यूज कर सकते हो। तो पानी को अच्छे से मिक्स करके, सब इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स करके, जो पाइप है ना वॉशिंग मशीन का जो पाइप है जिससे गंदा पानी सब डिटर्जेंट का पानी जैसे निकलता है, उस पानी के अंदर आप ऐसे पोर कर दीजिए। और ये जो हिस्सा है दोनों को एक साथ ऐसे बंद कर दीजिए। फिर 10 मिनट के लिए इसको पाइप को ऐसे छोड़ दीजिए, उसके बाद उसको अच्छे से ऐसे हिलाइए और फिर पानी को धीरे धीरे, देखिए सब पानी बाहर आ गए। अभी पाइप को आप एक ब्रश लीजिए और जो पाइप को जो गंदा हो गया इसको ऐसे ऐसे रब कीजिए तो पूरा गंदा निकल जाएगा और आपका पाइप एकदम क्लीन हो जाएगा। और मशीन के पीछे जो पाइप आप ऐसे हाथ से गोल गोल घुमाओगे तो पाइप इजीली निकल जाता है, और ऐसे भी गोल गोल घुमाओगे तो पाइप अंदर से सेट भी हो जाएगा। अभी मैं एक एक करके सब पार्ट्स को मैं सेट करूंगी मशीन के अंदर। ये पाइप है देखिए धुल गया एकदम, एक मैंने एकदम ड्राई टॉवल मैंने इधर लिया है, सबको ऐसे पोंछ के मैं मशीन के अंदर सबको अभी सेट कर दूंगी। ये हो गया, ये पीछे का है, मैं पीछे इसको करूंगी। ये जो कैप है इसको मैं लगा रही हूँ, सेट हो गया ये कैप भी।
और थोड़ा सा टॉवल से अंदर को मैं अच्छे से वाइप कर लूंगी। मेरा मशीन अंदर से एकदम से क्लीन हो गया है। ये देखिए मैं अभी इसको सेट कर रही हूँ। सेट हो गया है। अभी जो पाइप है इसको मैं इधर लगा दूंगी। बहुत इजी है, ये हो गया। अभी जो नीचे का पाइप है उसको मैं भी लगाऊंगी। ये देखिए इसको मैं अभी इधर सेट कर रही हूँ। बहुत इजी है, ऐसे आपको राउंड राउंड घुमाओगे तो फिर ये इजीली सेट हो जाएगा। ये देखिए, और ये जो क्लिप है ये थोड़ा सा अंदर इसको लगा के सेट कर दीजिए ऐसे। ये हो गया सेटिंग। अभी मैं मशीन को अच्छे से एक टॉवल के मदद से पोंछ के ऐसे फिर मेरा मशीन जो मैं जिधर रखती हूँ घर में उधर मैं रख दूंगी। तो ऐसे आप क्लीन कीजिए मशीन को तो आपका मशीन बहुत दिनों तक अच्छा रहेगा और कपड़े भी अच्छे से साफ हो जाएगा। आपके वॉशिंग मशीन को अच्छा रखने के लिए कुछ मैं टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो टिप नंबर वन क्या है, जब मशीन के अंदर कपड़े धुल जाएंगे उसके बाद इमिडिएटली कपड़े को मशीन से आप निकाल दीजिए, कपड़े को अंदर मत रखिए। नहीं तो क्या होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करता है। तो इमिडिएटली निकाल दीजिए कपड़े को। और टिप नंबर दो क्या है, जब कपड़ा धुलना एकदम कंप्लीट हो जाएगा जो डिटर्जेंट डिस्पेंसिंग यूनिट है उसको और जो मशीन का जो दरवाज़ा है उसको खोल के रखिए कुछ टाइम के लिए, तो अंदर थोड़ा हवा खिलेगा तो फिर उसके अंदर बैड स्मेल नहीं होगा और फंगस या बैक्टीरिया कुछ नहीं होगा। और कपड़े को ज़्यादा आप लिक्विड वाटर से क्लीन कीजिए, तो एकदम गर्म पानी से एकदम मत क्लीन कीजिए तो कपड़े का कलर फेड हो सकता है। थोड़ा सा लिक्विड वाटर से आप क्लीन कर सकते हो कपड़े को। और जो आप टब को जब पानी से भरोगे उसको पाइप की हेल्प से या बाल्टी में पानी भर के टब को भर सकते हो, तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होता है और आपके मंथली जो बजट है उसमें पैसा थोड़ा सा सेव हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा तो फिर मंथली बजट भी सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने अपना कपड़ा क्लीन कर सकते हो और वॉशिंग मशीन को ऐसे मेंटेन कीजिए तो आपको वॉशिंग मशीन सालों साल अच्छा रहेगा और मेंटेन रहेगा और आपका कपड़े भी अच्छे से धुलेगा। तो प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल बटन है उसको प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।